मौसम की बात करते हैं। हालिया शदीद बर्फबारी के बायस वादी करीमाबाद का रास्ता हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद हुआ था, जिससे 10 दिन बाद खोल दिया गया। अब उस सड़क पर लोग आसानी से सफ़र कर सकते हैं। ताहम सड़क की तंगी और हिफाजती दीवार ना होने की वजह से उस पर सफ़र करने वाले खतरे से दो चार हैं। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। हालिया शदीद बर्फबारी के बायस चतराल के मुख्तलिफ वादियों के रास्ते बंद हुए थे। चतराल का सियाहत इलाका हर करीमाबाद सुसूम का रास्ता भी 2 मार्च को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद हुआ था। रास्ते की बंदिश की वजह से न सिर्फ लोगों को अस्पताल और बाजार जाने में शदीद मुश्किल का सामना था, बल्कि यहाँ शेख उर्दनोश की भी इंतहाई किल्लत पैदा हुई थी। अगर खुदा न खास्ता कोई डिलीवरी केस हो या कोई इमरजेंसी केस हो तो हम उसे अपने कंधों पर उठा के चतराल तक ले जाते हैं पैदल। बहुत मुश्किल था यहाँ 10 दिन, बहुत ज़बरदस्त मुश्किल था, ना दवाई मुझे मिला था। वहाँ से मुंतखब खातून कोस्टर के मुताबिक रास्ते की बंदिश की वजह से खवातीन को काफ़ी मुश्किल दरपेश थे। डिलीवरी के वक्त खवातीन के बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर रास्ते हैं, ख़राब उन्हें गाड़ी नहीं आती है, तो उनको बहुत मुश्किल। विरज कौशल चेयरमैन का कहना है कि वो पैदल जाकर डिप्टी कमिश्नर चतराल को इन मुश्किल से आगाह किया, जिन्होंने मुकम्मल CNW के एक सैन को हिदायत की। अब यह रास्ता हर कस्म ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, मगर यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।